हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है कविता बनारसी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्ज़ा, वो भी स्वीट कॉर्न का। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा और बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पसंद आता है। ये देखिए, हमने एक बाउल लिया है। अब उसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को हमने पहले से ही उबाल लिए थे और फिर इसके बाद हम ये शिमला मिर्च भी हमने बारीक बारीक कट कर ली है, इसको भी ले लेंगे। ये चीज़ का क्यूब है, हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। और ये नमक स्वाद के अनुसार, कश्मीरी मिर्च हमने ले लिया, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर, और ये है मरीच पाउडर, चाट मसाला, सारे हम डाल करके अच्छे से चम्मच की मदद से मिलाएंगे। और ये हम ब्रेड लिए हैं, ब्रेड का हमने साइड से कट कर लिया था और फिर इसके ऊपर से हम मेयोनीज लगाएंगे चम्मच की मदद से इस तरीके से। और ये है तंदूरी, और ये है टमाटर केचप। फिर इसके बाद जो हमने तैयार किए थे स्वीट कॉर्न का, उसी को हम डालेंगे ब्रेड पर। ये देखिए, हमने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से करके हम चारों हुई ब्रेड पर लगा लेंगे स्वीट कॉर्न और चीज़ को। और फिर इसके बाद हम ओवन स्टार्ट करेंगे, उसी में हम जो हमने तैयार किए हैं ना ब्रेड का, उसी में हम रखेंगे 430 पर और इसको हम पकाएं। हमने ब्रेड पिज्ज़ा को ओवन से निकाल लिया है। ये ऊपर से एकदम क्रंची और बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है और वेजेस भी पक चुके हैं। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है ब्रेड पिज्ज़ा की। आप इसे न्यू ईयर पार्टी में भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।